हेलो फ्रेंड, अगर आप एक CSCVLE हैं, अगर आप अपनी CSCIT को मोबाइल या कंप्यूटर में खोल रहे हो तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है अपडेट इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे योर ईयरली EKYC ड्यू, प्लीज कंप्लीट योर EKYC एंड प्रोवाइड रेजिडेंटल एंड कायोस एड्रेस, प्लीज कंप्लीट योर EKYC। यहाँ पे दो ऑप्शन है, अपडेट नाउ है और अपडेट लेटर। अगर आपको जल्दी काम करना है, कोई काम करो CSC से, तो अपडेट लेटर करके आप अपना काम कर सकते हो। लेकिन ये चीज, ये डिटेल भरना हर CSCVLE को लिए इम्पोर्टेंट, अगर नहीं करते तो उनकी CSCID बंद हो जाएगी। अब ये क्यों लाया गया है, इसका मकसद क्या है, इसे हम कैसे फील करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आज की इस वीडियो में सारी चीजों को ऊपर लेके आए कंप्लीट वीडियो अपने एक पल स्किप किए एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहला सवाल उठता है कि पहले तो हम CSC और नॉर्मल चला रहे थे, हमें ये ऑप्शन क्यों देखने को मिला। लगभग सभी लोगों को ये ऑप्शन आ चुका है। तो मैं बता दूं, ये जो ऑप्शन आया है, आपको मालूम होगा कि जिस प्रकार पेंशन की EKYC होती है, अगर वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा हर साल नहीं करता है तो क्या होता है, उनकी पेंशन को बंद कर दिया जाता है। सेम इसी तर्ज पे इतने सारे CSCID खुल गए हैं ना कि कोई काम कर रहा है नहीं कर रहा है, सब चल रहा है। एक मोहल्ले में 10-10 CSCID है। तो इसी को देखते हुए और बहुत सारे ऐसे लोग जिसको ID की जरूरत है, आप में से कई सारे वीडियो अगर देख रहे होंगे उनका CSCID नहीं है, तो वो चाहते हैं मतलब एक CSCID जिससे हम इस गवर्नमेंट की स्कीम सर्विस दे सके। तो इसी तर्ज को देखते हुए ऑप्शन लाया गया EKYC। अब जो लोग EKYC जो काम करेंगे वो EKYC करेंगे ही नहीं करेंगे, और जो नहीं करेंगे नहीं करेंगे EKYC, जो EKYC नहीं करेंगे उनका CSCID को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन इतनी जल्दी नहीं कि तुरंत ही बंद कर दे, इसकी एक डेडलाइन सेट की जाएगी, वो डेडलाइन को पार्ट बाय पार्ट बढ़ाया भी जाएगा। तुरंत बंद नहीं हुआ, लेकिन एक पार्टिकुलर कुछ समय के बाद जब बहुत सब लोग करा लेंगे, कुछ ही लोग जो नहीं यूज कर वही छोड़ देंगे, उसके उन लोगों की ID बंद होगी। ID बंद होने के बाद फिर से नए ऑनबोर्डिंग की जाएगी, नए लोगों को लिया जाएगा CSC में जो काम करना CSC के तहत चाहते हैं। तो ये हो गई बात, ये ऑप्शन क्यों लाया गया। अब इसे हम कैसे प्रोसीड करें, तो पहले जी मैं बता दिया हूँ कि अगर आपको कोई काम करना है तो अपडेट लेटर में क्लिक कर आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन आप अगर अपडेट करने जा रहे हो, अपडेट आप क्लिक करो तो एक पेज आपके सामने खुल जाए जहाँ आपकी बेसिक से डिटेल, यहाँ पे आपको आपका आधार नंबर मांगा जाएगा, जो आपको CSCID में आपने अपना जिसके नाम CSCID है उनका दर्ज करना है। ऐसे आधार नंबर डाल के यहाँ पे वैलिडेट करेंगे, आपका अगर वैलिडेट हो जाता है तो अच्छी बात है, आधार वेरीफाइड। कई सारे लोगों का यहाँ पे एरर आता है, इंटर वैलिड डिटेल, जैसा कि आपको सामने एरर दिख रहा है। अगर ऐसा एरर आपको आता है, स्पेशली मुझे बहुत ही एरर आया, पता नहीं आपको आ रहा नहीं आ रहा, अगर आपको एरर ऐसा आ रहा है तो सिंपली करना क्या, मैंने जो किया है उसके मेरा ये सही हो गया, हो सकता है आपका अगर आ रहा हो तो ये करो सही हो जाएगा। आपको सिंपली सर्च करना है CSC डिजिटल सर्विस की पोर्टल, यहाँ से लॉग इन करने आते हैं, या नीचे स्क्रॉल डाउन कराना है और ज्वाइन नाउ पे क्लिक करनी है। ये ज्वाइन नाउ क्लिक करोगे, यहाँ पे एक सेकंड वाली जो क्लिक है टू व्यू योर क्रेडेंशियल के क्लिक करनी है। यहाँ पे आपको CSCID और कैप्चा, उसके आपके फिंगरप्रिंट डिवाइस आपको यहाँ पे सबमिट कर लॉगिन कर लेनी है। जैसे आप लॉगिन होगे इस प्रकार आपको पेज खुलेगा, यहाँ पे आपको डैशबोर्ड के अंदर KYC अपडेट के अंदर आनी है और यहाँ पे KYC डॉक्यूमेंट, ये सेकंड वाली है, इसके अंदर क्लिक करनी है। क्या डॉक्यूमेंट टाइप में आपको आधार चूज करना है और अपने आधार कार्ड की स्क्रीनशॉट्स या फोटो आपको यहाँ पे KYC डॉक्यूमेंट के अंदर 10 KB से लेके 80 KB के बीच का, इसे ज्यादा करोगे अपलोड ही नहीं लेगा, आपको छोटे सा क्रॉप स्नैपिंग टूल से स्नैप करके और उसके साइज को कम बेसी करके आपको यहाँ अपलोड कर देनी है। मैंने अपना डिटेल अपडेट किया था, मैं लॉक्स के अंदर दिखाऊं, तो ये हमारा KYC डॉक्यूमेंट हमने अपडेट किया था कल, जो तारीख थी, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज 21 जून है, 21 जून है, और मैंने 20 को किया था, मेरा यहाँ पे ये जो डिटेल है वो एक्सेप्ट कर लिया गया। इससे पहले मेरा हो नहीं रहा था, मैंने आज ट्राई किया, हमारा ले लिया। अगर एरर आता है तो आप इस प्रकार से करें, उसके अपडेट होने के बाद आपका आधार नंबर डालोगे यहाँ पर आधार वेरीफाइड आपका आ जाएगा। इसके बाद आप जिस स्टेट बिलोंग करो, स्टेट आपको दिखेगा आपके डिस्ट्रिक्ट, आप जिस डिस्ट्रिक्ट बिलोंग करते हो, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट, इसके बाद स्टेट असेंबली आपको यहाँ पे अपना सेलेक्ट करना है, या कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, आप जिस स्टेट बिलोंग करते हो उसका पहला वर्ड टाइप करोगे तो आपको वहाँ पे आपके वो सिटी यहाँ पे दिख जाएंगे, उसे सिलेक्ट कर लेनी है। फिर पिन कोड आपका जो है अपना सही से दर्ज करना जहाँ आपके शॉप है। इसके बाद KIOS के एड्रेस, यानी आपका CSC जहाँ पे आप चलाते हो उसका एड्रेस दर्ज करना है। जैसे कि मेरा कायोस CSC सेंटर का नाम जो है वो मेरा नया टेक्नोसिम से है। आप क्या खुद चलाते हैं, किसी ओनरशिप है, रेंट पे ले रखे हो, या गवर्नमेंट कोई दुकान जमीन पे है, ये ब्लॉक वगैरह में है, तो आप सिलेक्ट कर ले, या मेरा खुद का है तो ऑन करेंगे। आप किस टाइप के आते हैं, आपकी जो जगह है वो क्या रूरल यानी कि देहात क्षेत्र में गांव में आता है या अर्बन है शहरी क्षेत्र में, तो आप यहाँ चूज कर लेंगे। फिर यहाँ पे स्टेट आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट आपको चूज कर लेनी है, आप जिस डिस्ट्रिक्ट बिलोंग करते हैं। इसके बाद यहाँ फिर स्टेट असेंबली आपको चूज करना, तो यहाँ पे फिर आपको जो आपका डिस्ट्रिक्ट वो चूज करना है। फिर सिटी को भी आप अपना चूज यहाँ पे कर ले। वार्ड नंबर में आप 10 टाइप करोगे नहीं लेगा आपको, यहाँ पे अगर वार्ड नंबर 1, 2, 3 है तो यहाँ पे, अगर मान लो वार्ड नंबर मेरा 10 है तो हम यहाँ पे TEN ऐसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे
डिजिट में नहीं सबमिट हो रहा है, यानी 10 या 0 हम टिपेंगे तो काम नहीं करता है। उसके बाद ब्लॉक, आप किस ब्लॉक पंचायत के अंदर आते हैं वो सिलेक्ट करना है। तो मैं जो ब्लॉक कटिहार से कटिहार में, उसके आपको KOS एड्रेस, ये एड्रेस आपको फिल करने मांगता है, जहाँ आपकी शॉप है, CSC सेंटर जिस जगह चलती है वो एड्रेस आपको यहाँ पे दर्ज करनी है। तो मेरा जो एड्रेस है वो सही सही हम छोड़ देंगे, अगर आपका कुछ चेंजेस है कहीं है तो वो आप सही सही यहाँ पे आप दर्ज करें। उसके आपका पिन कोड, तो पिन कोड सही सही जो है वो चूज करें। उसके नीचे आपको पिन नंबर दिखेगा, जिसके शुरू के और लास्ट के कुछ डिजिट दिखेंगे, और आपको पिन नंबर अपना यहाँ पे दर्ज कर लेना है। हमने अपना पिन नंबर दर्ज किया, करते हैं वैलिडेट। वैलिडेट करने के बाद अगर आपको सही रहेगा तो ये हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चर जो है वो दर्ज करनी है। इसके बाद यहाँ पे एक इसके टर्म एंड कंडीशन टिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सब कुछ डिटेल सही सही मैच कर लेनी जो आपने भरा, कोई दिक्कत नहीं। और नेक्स्ट, जैसे ही नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे आधार नंबर से जुड़ा हुआ आधार OTP आपको गिरेगा, जो वेरीफाई करना आपके आधार नंबर पे SMS ईमेल दोनों थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे फिंगरप्रिंट का ऑप्शन लेके वो काम नहीं करा, हाईलाइट नहीं है, तो हमने आधार OTP जनरेट किया है और हमारा आधार OTP आ गया। हम वैलिडेट OTP करते हैं, अपने आधार कार्ड से नंबर जुड़े हुए नंबर पे OTP गिरेगा। इसे करने के बाद OTP वेरीफिकेशन करने आपको बोलता है, एक दो बार एरर मारे इनकरेक्ट OTP, अगर दो तीन बार ट्राई करोगे कुछ समय के बाद ट्राई करना, आपका यहाँ पे योर KYC हैज बीन कंप्लीट सक्सेसफुली हो जाएगा। तो आपको फिर से ऑप्शन दिखेगा, आप इसे इग्नोर करें, आपका सबमिट डिले, तो बार बार अपडेट पे क्लिक करोगे फिर से वही ऑप्शन खुल जाएगा। तो यहाँ पे हो सकता है कोई ग्लिच हो, लेकिन यहाँ पे KYC सबमिट हो गया, कुछ समय वेट करने के बाद शायद आपका ऑप्शन वहाँ से हट जाए। तो इस प्रकार से आप CSC की KYC कर सकते हैं और अपनी CSC ID को बिना किसी दिक्कत के कंटिन्यू इस्तेमाल में ला सकते हैं। अगर आपको भी ऐसा रिपीट आ रहा है या आपको हो गया है, होने का ऑप्शन हट गया, आपनी जब से अपनी राय कमेंट कर दे सकते हैं। और आपको किस तरह कोई इशू या प्रॉब्लम या किस तरह परेशानी फेस हो रही, क्या हो रही, वो भी हमसे कमेंट कर पूछे, मैं उसका बेस्ट रिप्लाई दे पाऊंगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल इंफॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।